Hello friends, welcome to my channel Biotech Guru, and I am here with third lecture of plant tissue culture. So in previous video we had discussed up to history of PTC and different stages in PTC. So in this video we will try to know what type of media used in plant tissue culture. So let's start this video without wasting any time. So you can see this types of media. There are several medias used in PTC for nutrient supply to the newly growing cells. मतलब क्या हुआ कि in plant tissue culture we are generally using several medias, okay? Depending on your experiment, आप किस तरह का experiment कर रहे हो, आपने कौन सा explant select किया है, उस पर depend करता है कि आपको कौन सा media लेना है. ये वैसा ही है बिल्कुल कि जैसे अगर एक कोई पेशेंट है हमारा, एक कोई पेशेंट है और अगर इसको कोई एक पर्टिकुलर डिजीज है तो इसको कौन सी दवाई देनी है ये डिपेंड करता है उसके डिजीज पे. बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हम किस चीज का कल्चर कर रहे हैं, हम किस चीज को ग्रो करना चाहते हैं, वो डिसाइड करेगा कि हम मीडिया कौन सा यूज करें. अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि मीडिया है क्या, तो ये आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन है. जैसे आप बाहर से अगर मान लो आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो यू यूज टू हैव मिल्क, आप मिल्क थोड़ा ज्यादा लेने लगते हो, ज्यादा अमाउंट में लेने लगते हो क्योंकि आपकी बॉडी कैल्शियम नहीं बना रही है. तो मिल्क में कैल्शियम होता है, आप कैल्शियम की गोलियां भी ले सकते हो, एमिन टैबलेट्स वगैरह. तो उसी तरह से जैसे आप आर्टिफिशियली बाहर से सप्लीमेंट्स लेते हो तो हम यहाँ पे प्लांट्स को ग्रो जब करवा रहे हैं तो दे आर डीअटैच्ड फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट. अब वो पेरेंट प्लांट से डीअटैच हो चुके हैं और उनको कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है. अगर आपने एक एक्सप्लांट सेलेक्ट किया, अगर हमने ये लीफ को सेलेक्ट किया है तो इसे हम डीअटैच कर चुके हैं इसके पेरेंट प्लांट से, तो इसको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल सकता है. तो इसकी जितनी भी ग्रोथ है या फिर जो भी इसके सेल डिविजन है ये सारे क्वेश्चेंट स्टेज में चले जाते हैं. मैंने क्वेश्चेंट स्टेज समझाया था हमारे प्रीवियस वीडियो में, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. तो क्वेश्चन स्टेज में जब ये चला गया तो क्वेश्चन स्टेज से फिर से इसको सेल डिवीजन के स्टेज में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सप्लाई न्यूट्रिशन, है ना. तो न्यूट्रिशन को सप्लाई करने के लिए वी यूज्ड मीडिया. जो सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं टू सप्लाई द न्यूट्रिशन टू द प्लांट, ठीक है, टू सप्लाई द न्यूट्रिशन टू आवर एक्स प्लांट, इसी को हम मीडिया बोल रहे हैं. और ये मीडिया जो होता है वो सेवरल टाइप्स का होता है, ठीक है, बहुत तरह के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर कल्चरिंग. आप किस चीज को कल्चर कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मीडिया सेलेक्ट करोगे, ठीक है. नाउ लेट्स सी सम ऑफ देम आर. अब उन मीडियाज में से मैंने यहाँ पे कुछ जो ज्यादातर यूज होते हैं उन मीडिया को यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है और मैंने लिखा है. जो सबसे मोस्ट कॉमन मीडिया यूज्ड होता है, जो सबसे ज्यादा मतलब हर एक ऑलमोस्ट अधिकतर कल्चर में जो यूज होता है वो मीडिया है हमारा सबसे पहला एमएस मीडिया, ठीक है. शॉर्ट फॉर्म है ये एमएस मीडिया. इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मुरासिग एंड स्कूक मीडिया, ठीक है, मुरासिग एंड स्कूक मीडिया. अब ये कब आया था, तो इन 1962. ये दोनों साइंटिस्ट हैं और इन दोनों साइंटिस्ट ने एक मीडिया तैयार किया. वो कब किया, 1962 में, और उसका नाम इन्होंने दिया एमएस मीडिया, ठीक है. तो ये सबसे मोस्ट कॉमन यूज्ड मीडिया है ये, ठीक है. इन तीनों से भी सबसे ज्यादा ये है, हालांकि ये तीनों भी यूज होते हैं, कॉमनली यूज होते हैं, बट दिस इज द मोस्ट कॉमन वन. नाउ सी द सेकेंड वन, B5 मीडिया, ठीक है, B5 मीडिया, जिसका फुल नेम क्या है, गैम्बोर्ग मीडिया. इसे हम किस नेम से जानते हैं, गैम्बोर्ग मीडिया. ये भी एक साइंटिस्ट के नेम के ऊपर रखा गया है, मतलब गैम्बोर्ग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये मीडिया को डिस्कवर किया, सो दैट्स व्हाई दिस मीडिया नेम इज गैम्बोर्ग मीडिया, ठीक है. नाउ सी द थर्ड वन, एमएम मीडिया, ओके, एमएम मीडिया, इट स्टैंड्स फॉर मुरलीधर एंड मेघा व्हाइट मीडिया, ठीक है. जनरली ये जो मीडियाज होते हैं, जैसे ये सारे जो मीडिया होते हैं वो हल्का पेल येलो कलर के होते हैं, ठीक है, बिल्कुल लाइट येलो कलर के होते हैं, बट दिस मीडिया इज व्हाइट मीडिया, ठीक है, जिसका नाम क्या है, मुरलीधर एंड मेगा व्हाइट मीडिया, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एमएम मीडिया बोलते हैं. और द फोर्थ वन इज एनएन मीडिया, ओके, फोर्थ वन इज एनएन मीडिया, निश्च मीडिया, ठीक है, व्हाट वी से, निश्च मीडिया. अब ये जो चारों मीडिया है, एमएस मीडिया, B5 मीडिया, एमएम मीडिया या एनएन मीडिया, ये चारों मीडियाज वी कैन यूज फॉर आवर
प्लांट टिश्यू कल्चर, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आप क्या कल्चर करने वाले हो और आप कौन सा मीडिया सेलेक्ट करते हो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपकी मतलब आपने कौन सा मीडिया इसमें से सेलेक्ट किया है, ये आपके एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है। बट एक चीज बहुत ही कॉमन होती है इन सारे मीडियाज में, मतलब इन सारे मीडियाज में एक चीज कॉमन होती है, वो क्या होता है कॉमन, तो इसके अधिकतर जो कॉम्पोजिशंस होते हैं वो कॉमन होते हैं। मतलब एमएस मीडिया में कुछ चीजें हैं जो कि कॉमन होंगी B5 मीडिया में भी, MM मीडिया में भी और NN मीडिया में भी। मतलब अगर वो मीडिया है, कोई भी मीडिया हो, ठीक है, अगर वो मीडिया है तो उनमें कुछ चीजें जो होंगी वो बिल्कुल ही कॉमन होंगी। बस एक या दो ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो उसको दूसरी मीडिया से डिफरेंट बनाते हैं, ठीक है। MS मीडिया, B5 मीडिया, MM मीडिया या NN मीडिया एक दूसरे से कुछ एक या दो कंपोनेंट के डिफरेंस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी जो उनके कंपोजिशंस होते हैं वो सेम ही होते हैं। सो लेट्स सी द कंपोजिशन ऑफ, बेसिक कंपोजिशन ऑफ मीडियाज। अगर ये मीडियाज जितने भी हैं इनमें ऐसी कौन सी बेसिक कंपोनेंट है जो कि बिल्कुल कॉमन है, सो लेट्स सी दिस। देर आर 4 कंपोनेंट्स, उनमें से 4 कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। आई गेस यू कैन सी, या ओके लेट्स स्टार्ट। सो द कल्चर मीडिया इज कम्पोज ऑफ 4 बेसिक कॉम्पोनेंट। जो भी कल्चर मीडिया हम यूज कर रहे हो, वट एवर कल्चर मीडिया वी आर सेलेक्टिंग, देर आर 4 कॉम्पोनेंट्स विच आर कॉमन टू ऑल द मीडियाज। लेट्स सी वॉट दे आर। तो सबसे पहला जो है, द फर्स्ट वन इज इसेंशियल एलिमेंट्स और मिनरल्स, ठीक है। जो भी इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं या फिर मिनरल्स आयंस होते हैं या सप्लाइड एज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, ठीक है, जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, मतलब एक प्लांट है उसको टोटल जो चीजें चाहिए होती है, मतलब लमसम की बात कर ले तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, कार्बन सोर्स चाहिए होता है और कुछ विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स चाहिए होते हैं, ठीक है। ये 4 चीज तो हम बिल्कुल कंफर्म है कि चाहिए ही चाहिए किसी भी प्लांट को, तो हम यहां एक एक करके इनको देखने वाले हैं। तो अभी हम सबसे पहला देख रहे हैं कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में प्लांट को क्या क्या चीज चाहिए होगा, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट विच नीडेड बाय प्लांट्स। सो कुछ एलिमेंट्स चाहिए होते हैं इनऑर्गेनिक में, एज वेल एज मिनरल्स आयन चाहिए होते हैं, और ये दोनों ही एलिमेंट्स एज वेल एज मिनरल्स आयन्स आर सप्लाइड टू प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट। हम किस फॉर्म में इन दोनों चीजों को देते हैं, तो सॉल्ट के फॉर्म में देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमें कोई एलिमेंट देना है अगर प्लांट को, या फिर कोई मिनरल्स आयन्स देना है, तो इनको हम डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दे सकते हैं। अगर आयरन चाहिए तो डायरेक्ट आयरन प्लांट को दे दो, कैलस को दे दो, अपने कल्चर में आयरन डाल दो और ग्रो कर जाएगा, नहीं, वो फिर आपका कंटामिनेशन कर सकता है। आप उसको किस फॉर्म में दोगे, तो सॉल्ट्स के फॉर्म में दोगे। अब चलिए देखते हैं कि विच टाइप ऑफ और विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड, है ना। सो दीज इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट कैन बी, अब ये जो भी इनऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट है जैसे कि एलिमेंट या मिनरल्स है, इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, ठीक, ताकि कन्वीनियंट हो याद करने में भी। फर्स्ट वन इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड द सेकेंड वन इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। नाम से समझ सकते हो, माइक्रो इज वेरी स्मॉल एंड मैक्रो इज लार्जर देन माइक्रो। अब ये नहीं समझ लेना कि बहुत बड़ा सा कोई चीज डाल दी है, नहीं, माइक्रो बहुत छोटा है 10^-6, लेकिन मैक्रो जो होता है वो उससे थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दिस मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक। नाउ सी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट में हमें क्या क्या चाहिए होता है, तो वी नीड आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरोन, कॉपर एंड मॉलिब्डेनम। ओके, आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरोन, कॉपर एंड मॉलिब्डेनम। ओके, देयर आर 6 एलिमेंट विच आर माइक्रो न्यूट्रिएंट। नाउ सी द मैक्रो न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फॉस्फरस, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। इसमें भी 6 हैं। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट में हमने देखा कि 6 हैं एलिमेंट जो कि जरूरी होते हैं, कौन कौन से, आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरोन, कॉपर एंड मॉलिब्डेनम। एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट में कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फरस,
कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर. ये सारा मतलब ये जो 12 एलिमेंट्स हैं या फिर मिनरल्स हैं, ये 12 एलिमेंट मिनरल्स यूज्ड होते हैं प्लांट के द्वारा इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट. ओके, सो आई गेस कि इट इज वेरी क्लियर टू ऑल. ओके फाइन, सो नाउ सी द सेकेंड वन विच इज ऑर्गेनिक सप्लीमेंट. ओके, सो एन ऑर्गेनिक सप्लीमेंट सप्लाइंग विटामिन्स और अमाइनो एसिड और सर्टेन अनडिफाइंड सप्लीमेंट्स. ओके, मतलब ऑर्गेनिक सप्लीमेंट में हम क्या क्या चीज दे रहे हैं अपने एक्सप्लांट को, तो वी आर गिविंग विटामिन्स, ओके, अमाइनो एसिड्स एंड सम सर्टेन अनडिफाइंड सप्लीमेंट. मतलब ये किसी पर्टिकुलर क्लास में नहीं रखा गया है, बट दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर पीटीसी. ओके, रिक्वायर्ड बाय आवर एक्सप्लांट. ठीक है, बट अभी हम इसको देखेंगे डिटेल में, इसको भी देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आते हैं. बट नाउ वी आर डिस्कसिंग द विटामिन्स एंड अमाइनो एसिड. सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, आप इस टॉपिक को स्टार मार्क कर लो, क्योंकि इससे काफी हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, CSIR नेट हो, या फिर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम हो. ठीक है, सारे जगहों में इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज पे अटेंशन टू दिस टॉपिक. तो सबसे पहला है हमारा कि विटामिन्स हम लोग कौन कौन से देते हैं, और काफी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, तो प्लीज ध्यान से देखिए इन्हें. थायमिन है हमारा, जिसको हम अनदर नेम से जानते हैं, विटामिन B1. ओके, एग्जाम्स में बहुत टाइम में आपने मान लो पढ़ लिया कि थायमिन इज यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर, लेकिन अगर ऑप्शंस में विटामिन B1 दे दिया तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे. इसलिए मैंने दोनों नेम लिख दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो. अगर विटामिन B1 भी लिखा है तो आप टिक कर सको, और अगर थायमिन भी लिखा है तो आप टिक कर सको. सो रिमेम्बर द बोथ नेम, थायमिन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B1. ओके, नाउ द सेकेंड इज पायरोडॉक्सिन. ओके, पायरोडॉक्सिन इज विटामिन B6. B1 इज थायमिन, B6 इज पायरोडॉक्सिन. ओके, नाउ सी द निकोटिनिक एसिड. निकोटिनिक एसिड, जिसे हम और दूसरे नेम से क्या जानते हैं, नियासिन्स. ओके, नियासिन्स. नाउ द बायोटिन, बायोटिन इज ऑल्सो अ विटामिन. देन इज फॉलिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड, विच वी ऑल्सो नोन एज विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड एंड एट लास्ट विटामिन ई. तो हमने यहाँ पे टोटल 7 विटामिन यूज किए हैं. कौन कौन से? पहला थायमिन, देन पेरोडॉक्सिन, निकोटिनिक एसिड, बायोटिन, फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड एंड विटामिन ई. ओके, सो दीज 7 विटामिन्स आर यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर फॉर ग्रोथ पर्पस. नाउ सी द अमाइनो एसिड. अब अमाइनो एसिड में हम कौन कौन सा अमाइनो एसिड यूज करते हैं, यू कैन सी हियर. वी यूज ग्लाइसिन, इट इज अ सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड. सो वी यूज ग्लाइसिन इन प्लांट टिश्यू कल्चर. अब इसका कितना लेंगे भाई, तो 2 mg. ओके, आप 2 mg लोगे पर लीटर. मतलब अगर आपने मीडिया 1 लीटर का बनाया है, तो उस 1 लीटर के मीडिया में आप ग्लाइसिन का 2 मिलीग्राम उसमें डिजोल्व करोगे. 1 लीटर के मीडिया में 2 मिलीग्राम आप ग्लाइसिन डिजोल्व करोगे. तो चलो बताओ कि अगर 1/2 लीटर का मीडिया बनाया है तो उसमें हम कितना लेंगे ग्लाइसिन, 1/2 कर लेंगे. ठीक है, मतलब 1 मिलीग्राम हम उसमें यूज करेंगे. फॉर 250 ml, अगर 250 ml का मीडिया बना रहे हैं तो क्या करेंगे, तो कितना लेंगे, तो 0.5 mg हम ग्लाइसिन का लेंगे. ओके, नाउ सी द सेकेंड वन इज ग्लूटामिन. फर्स्ट वी सीन दैट ग्लाइसिन इज यूज्ड 2 mg पर लीटर, एंड नाउ इज ग्लूटामिन 8 mg पर लीटर. अब ग्लूटामिन जब यूज करेंगे तो उसको हम 8 mg पर लीटर यूज करेंगे. इसी तरह से आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर 1 लीटर में 8 mg है तो 1/2 लीटर में 4 mg हो जाएगा, एंड 250 ml के लिए बोलो इट्स 2 mg. ओके, नाउ सी द सिस्टीन. थर्ड वन इज सिस्टीन, 10 mg पर लीटर. इसको कितना यूज करेंगे, 10 mg लेंगे 1 लीटर मीडिया के लिए. ओके, एल टायरोसिन. ठीक है, एल टायरोसिन इसे हम लेंगे 100 mg पर लीटर. मतलब 1 लीटर का अगर मीडिया है तो वी विल टेक 100 mg ऑफ एल टायरोसिन. ओके, सो दीज 4 अमाइनो एसिड्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन आवर प्लांट टिश्यू कल्चर.
which are glycine, glutamine, cysteine and L-tyrosine. Now let's see what are the undefined supplements. They are those supplements which are not classified into certain class. ये किसी एक पर्टिकुलर क्लास में नहीं डाले गए हैं, जैसे ये सारे जो थे इनको हमने एक विटामिन में डाल दिया या अमाइनो एसिड में डाल दिया, बट ये जो कंपोनेंट्स है, ये जो सब्सटेंस है, इनको हम किसी क्लास में नहीं डाल सकते हैं. सो वी कॉल देम अनडिफाइंड सप्लीमेंट्स. इनको हम क्या बोल देते हैं, अनडिफाइंड सप्लीमेंट, जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते बट दे आर नीडेड फॉर आवर प्लांट टिश्यू कल्चर. अब इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे फ्रूट जूस, जब ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं हो रही होती है या फिर ग्रोथ के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं वो आप एक्सटर्नली कहीं से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, देन इन दैट केस वी यूज टू सप्लाई दीज अनडिफाइंड सप्लीमेंट्स. ठीक, जैसे कि आप फ्रूट जूस यूज कर सकते हो. आई रिमेम्बर जब हम फर्मेंटेशन प्रोसेस कर रहे थे तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में वी यूज ग्रैप जूस, हमने ग्रैप का जूस यूज किया था. और उसी तरीके से आप प्लांट टिश्यू कल्चर में भी फॉर न्यूट्रिएंट पर्पस आप क्या कर सकते हो, फ्रूट जूस यूज कर सकते हो, कोकोनट मिल्क यूज कर सकते हो, ठीक है, जो नारियल का जो पानी होता है उसको आप यूज कर सकते हैं, ईस्ट यूज कर सकते हैं और माल्ट एक्सट्रैक्ट यूज कर सकते हैं, एज वेल एज हाइड्रोलाइज्ड कैसीन भी यूज कर सकते हैं. जो मिल्क पाउडर आता है वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं. मिल्क पाउडर को हम क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोलाइज्ड कैसीन, मतलब इसमें से जितने भी लिक्विड पार्ट है उसको आपने निकाल दिया है एंड द ड्राई कैसीन इज देयर. ओके, सो दीज आर अनडिफाइंड सप्लीमेंट्स. सो सेकेंड वन इज ऑर्गेनिक सप्लीमेंट, जिसमें हमने तीन चीज दिया, विटामिन, अमाइनो एसिड एंड अनडिफाइंड सप्लीमेंट. विटामिन में हमने देखा थायमिन, पायरोडॉक्सिन, निकोटिनिक एसिड, बायोटीन, फॉलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड एंड विटामिन ई. अमाइनो एसिड में हमने देखा ग्लाइसिन, ग्लूटामिन, सिस्टीन एंड एल टायरोसिन. ओके, इन अनडिफाइंड सप्लीमेंट्स में हमने क्या देखा, फ्रूट जूस यूज कर सकते हैं, कोकोनट मिल्क यूज कर सकते हैं, ईस्ट और माल्ट एक्सट्रैक्ट यूज कर सकते हैं, एज वेल एज हाइड्रोलाइज्ड कैसीन भी यूज कर सकते हैं. सो दीज आर ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स. नाउ सी द थर्ड वन, अ सोर्स ऑफ फिक्स कार्बन. ठीक है, अब हम देखेंगे कि फिक्स कार्बन सोर्स क्या होगा. नाउ सी, अ सोर्स ऑफ फिक्स्ड कार्बन, द मोस्ट प्रेफर्ड कार्बन सोर्स इज सुक्रोज. ठीक है, जो कार्बन सोर्स, हमें पता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फ्रॉम एनवायरमेंट, लेकिन अब जब वो लैब में है तो दे कांट टेक, है ना, तो वी हैव टू सप्लाई कार्बन. ओके, तो कार्बन को सप्लाई हम किस फॉर्म में करते हैं, तो हम सुक्रोज के फॉर्म में करते हैं. इट इज अ पाउडर जिसको हम क्या करते हैं, मीडिया में डिजोल्व करते हैं और उस मीडिया से सुक्रोज को हमारा जो एक्स प्लांट है वो एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, नाउ सी हाउ, कैसे वो ऑब्जर्व करता है वो हम यहां देखते हैं. इट इज इकोनॉमिकली रिलेटिवली स्टेबल टू ऑटोक्लेविंग एंड रेडली एसिमिलेटेड बाय प्लांट. बहुत ही जरूरी पॉइंट है ये. ठीक है, आप क्यों, आखिर क्यों सुक्रोज यूज करते हैं यार, अगर कार्बन सोर्स की बात करें तो सुक्रोज की जगह पे और भी तो है. ठीक है, लेकिन हम ज्यादातर सुक्रोज क्यों यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस वी यूज्ड सुक्रोज. तो क्यों ऐसा होता है, तो इसलिए होता है क्योंकि ये इकोनॉमिकली बहुत अच्छा है, मतलब सस्ते में काम हो जाता है, रिलेटिवली स्टेबल होता है. स्टेबल किस मैनर में बोला गया है ये आप देख लो, क्योंकि जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं तो वी यूज एसेप्टिक मेथड, मतलब हर जगह से आपको कंटामिनेशन फ्री चीजें ही यूज करनी होती हैं. तो अगर हमने मीडिया बनाया है, अगर हमने एक अपने फ्लास्क में मीडिया बनाया है और इस मीडिया को बनाते टाइम ये तो एयर के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, सो इट हैज सम और अदर बैक्टीरियाज और पैथोजेंस. तो अगर इसमें कुछ बैक्टीरिया या पैथोजन होगा तो वो तो हमारे मीडिया को कंटामिनेट कर दिया, वो हमारे पूरे कल्चर को कंटामिनेट कर देगा, है ना, पूरा कल्चर खराब हो सकता है. तो हम मीडिया बनाने के बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है वो क्या होता है, ऑटोक्लेविंग. हम क्या करते हैं, इसको ऑटोक्लेव करते हैं. ऑटोक्लेव एक मशीन होता है, उसमें हम इसको ले जाके रख देते हैं और वहां पे हीट और प्रेशर से क्या हो जाता है, जितने भी बैक्टीरिया या पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड हो जाते हैं. तो हम जब इसको ऑटोक्लेव करते हैं तो सुक्रोज एक ऐसा सब्सटेंस है, सुक्रोज जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ऑटोक्लेव के बाद भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है. ऑटोक्लेव के बाद भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि एक बहुत अच्छी चीज होती है इसमें.
इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज होती है आफ्टर ऑटोक्लेव, जब ये गर्म होता है डिजोल्व होने के बाद, जब इसको हम गर्म करते हैं ऑटोक्लेव में, तो जो सुक्रोज है वो आपका स्प्लिट हो जाता है। सुक्रोज है वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है किस फॉर्म में, तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ठीक है, वो दो पार्ट में टूट जाता है, फर्स्ट इज ग्लूकोज एंड देन सुक्रोज। अब किसी भी प्लांट या किसी भी सेल या किसी भी एनिमल्स को ही ले लो, ठीक है, कोई भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म जो है वो कम काम करना ज्यादा पसंद करता है, ठीक है। अगर हमने एक एक्स प्लांट लिया है जो कि अभी अभी ग्रो करना शुरू किया है, तो उसको अगर हम सुक्रोज डायरेक्ट दें तो बहुत ज्यादा उसके लिए हार्ड हो जाएगा टू एसिमिलेट। अब एसिमिलेट का मतलब क्या होता है, टू यूटिलाइज, एसिमिलेशन इज अ प्रोसेस, ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी चीज को एब्जॉर्ब यूटिलाइज करने के प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलते हैं। तो सुक्रोज को एसिमिलेट करना उस एक्स प्लांट के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सुक्रोज को ऑटोक्लेव जब किया तो वो दो फॉर्म में, मतलब सुक्रोज सिंपल फॉर्म में टूट गए, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, जो कि बहुत ही आसानी से हमारे एक्स प्लांट इसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये तो अच्छी बात हो गई कि पहले सुक्रोज डायरेक्ट उसको यूज करना पड़ता जो कि बहुत मुश्किल होता, यूज तो करते ही बट मुश्किल होता, बट अभी हमने इसको तोड़ दिया, अब तोड़ दिया तो आसानी से इसको यूज कर सकते हैं, है ना। अब इसके यूज करने का एक पैटर्न होता है वो भी आप देख लो, ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन ऑफ मीडिया सुक्रोज गेट हाइड्रोलाइज्ड बाय ग्लूकोज एंड टू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। अब ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट चुके हैं। एक नोट पॉइंट, यही जो मैं बता रही थी कि किस तरीके से यूज होता है, नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांट सेल इन कल्चर फर्स्ट यूटिलाइज ग्लूकोज एंड देन फ्रुक्टोज। कभी भी हमारे मीडिया में अगर दो कंपोनेंट है, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज, देन जो हमारा एक्स प्लांट है या जो कैलस है, इट प्रेफर फर्स्ट यूज ग्लूकोज, ठीक है, वो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में सबसे पहले किस चीज को यूज करेगा, ग्लूकोज को यूज करेगा। जब ग्लूकोज खत्म हो जाएंगे देन दे गो टू फ्रुक्टोज, ओके। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी एसर्शन रीजन में पूछ देते हैं, सो इसको आप दिमाग में रखना। नाउ सी द लास्ट पॉइंट, अदर कार्बोहाइड्रेट यूज्ड आर, और कुछ और भी हैं, ऐसा नहीं है, मैंने जैसे बताया कि सुक्रोज मोस्ट यूज्ड है, बट और भी कार्बन सोर्सेज हैं, जैसे कि आप कौन कौन से यूज कर सकते हो, यू कैन यूज लैक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, बट विद अ वेरी लिमिटेड सक्सेस। लेकिन अगर आप इन चीजों को यूज करते हो तो जरूरी नहीं है कि आपको सक्सेस आपके कल्चर में मिल जाए। सो अगर आपको अपने कल्चर में सक्सेस चाहिए कि हाँ मैं एक बार में काम करूं और मुझे रिजल्ट दिख जाए, तो आई थिंक कि आपको सुक्रोज यूज करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनमें नहीं होगा, इसमें भी होगा, बट सक्सेस इज नॉट गारंटेड, ओके। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो एज अ कार्बन सोर्स। नाउ सी द फोर्थ वन, हमने बोला चार कंपोनेंट, तो पहला हो गया इनऑर्गेनिक, दूसरा हो गया ऑर्गेनिक, थर्ड वन इज आवर कार्बन सोर्स, एंड द फोर्थ वन इज अ जेलिंग एजेंट, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप सब चीज दे दो और आपने अगर जेलिंग एजेंट नहीं दिया है तो फिर आपका जो एक्स प्लांट है वो सही ढंग से उसकी पोजिशन नहीं रह पाएगी एंड दे विल नॉट ग्रो। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ एनी मीडिया, अ जेलिंग एजेंट। वट इज इट, देखते हैं हम इसे। प्लांट मटीरियल कैन बी कल्चर्ड ईदर इन अ लिक्विड मीडियम, जिसे हम ब्रोथ या सस्पेंशन कल्चर भी बोलते हैं, और ऑन अ मीडियम दैट हैज बीन पार्शियली सॉलिफाइड विथ अ जेलिंग एजेंट। देखो, जब हम कल्चर करते हैं तो वी कैन कल्चर दो तरीके से, ओके, वी कैन कल्चर इन टू वेज। फर्स्ट, आप ऐसा मीडिया ले लो जो कि क्या हो, लिक्विड हो, जो कि क्या हो, लिक्विड हो। आपने मीडिया बनाया और वो लिक्विड फॉर्म में बिल्कुल है, और उस तरह के मीडिया को वी कॉल ब्रॉथ। हम क्या बोलेंगे, ब्रॉथ, या फिर उस कल्चर को हम क्या बोलेंगे, जैसे उस मीडिया को ब्रॉथ बोलेंगे। और जिस कल्चर में ब्रॉथ यूज कर रहे हैं उस कल्चर को क्या बोलेंगे, सस्पेंशन कल्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सस्पेंशन कल्चर। अब इसके पीछे भी आप समझ सकते हो इसको तोड़ के, सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, सस्पेंशन मतलब लटकना, ठीक है, या फिर तैरना। कोई भी चीज किसी लिक्विड में जब फ्लोट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन, ठीक। तो सस्पेंशन कल्चर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक लिक्विड है,
ये एक लिक्विड है एंड वी पुट आवर एक्स प्लांट इन दैट लिक्विड एंड आवर एक्स प्लांट फ्लोट इन लिक्विड. ठीक है, उस लिक्विड में, उस मीडिया में हमारा जो एक्स प्लांट है दे विल फ्लोट. दैट्स व्हाई वी कॉल दैट कल्चर सस्पेंशन कल्चर. ओके, और इन अ मीडिया दैट कैन बी पार्शियली सॉलिफाइड. और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम ऐसा मीडिया यूज करें जो कि क्या हो, बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में हो, जो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में हो. एक तो ऐसा हो जो कि लिक्विड हो, और जो दूसरा हो वो पार्शियली सॉलिड हो. मतलब पार्शियल का मतलब क्या होता है, हाफ, और सॉलिड का मतलब समझ ही रहे हो. ठीक है, तो वैसा कल्चर मीडिया जिसमें अगर हम लिक्विड यूज कर रहे हैं तो लिक्विड को बोलते हैं ब्रॉथ, ब्रॉथ मीडिया बोलेंगे इसको, और उस कल्चर को क्या बोलेंगे, सस्पेंशन कल्चर बोलेंगे. अब इसमें जिसमें हम पार्शियली सॉलिड मीडिया यूज कर रहे हैं तो ये जो होता है ज्यादातर यूज होता है हमारे प्लांट टिश्यू कल्चर में. दोनों ही यूज होते हैं, ओके, ये दोनों ही यूज होते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में, मगर अधिकतर जो होते हैं वो ये वाले होते हैं, आपके पार्शियली सॉलिडिफाइड वाले. और लिक्विड मीडिया में तो हम जब भी लिक्विड मतलब सस्पेंशन कल्चर जब भी कर रहे हैं तो उसमें तो हमें जेलिंग एजेंट की जरूरत नहीं की ही बराबर पड़ती है. ठीक है, पड़ती है, बट नॉट इन वेरी मच. बट जब हम सॉलिड पार्शियली सॉलिड की बात कर रहे हैं तो उसमें जो होता है वो जेलिंग एजेंट का जरूरत पड़ता है. ठीक है, उसमें क्या होता है, जेलिंग एजेंट का जरूरत पड़ता है. अब जेलिंग एजेंट होता क्या है देखते हैं. जेलिंग और सॉलिडिफाइंग एजेंट्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सेमी सॉलिड और सॉलिड टिश्यू कल्चर मीडिया. जो मीडिया है, जो हमने मीडिया लिया है उसमें हमने पानी लिया है, जो मीडिया लिया है हमने, जो मीडिया हमने बनाया है उसमें हमने पानी लिया है. ठीक है, उसमें हमने अपना सुक्रोज घोल दिया, अपना विटामिन्स और अपना सारा चीज घोला. तो अभी तक तो ये लिक्विड फॉर्म में था, जब इसको ऑटोक्लेव करोगे आप तो उस टाइम भी ये क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा. लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो कूल डाउन होता है वो थोड़ा सा सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है. क्यों सेमी सॉलिड फॉर्म में आता है, बिकॉज सुक्रोज और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और आपका कार्बन सोर्स वगैरह के साथ साथ इसमें हम ऐड करते हैं कुछ और चीज विच इज जेलिंग एजेंट. अब उसका नाम मैं बताऊंगी कि वो जेलिंग एजेंट होता क्या है. तो ज्यादातर जो यूज जेलिंग एजेंट होता है वो आपका होता है अगर. ओके, दिस जेलिंग एजेंट इज यूज्ड टू सॉलिडिफाइड और यू कैन से पार्शियली सॉलिडिफाइड आवर मीडिया. हम अब हमारे मीडिया को पार्शियली सॉलिडिफाइड करने के लिए अगार को यूज करते हैं. अब अगार होता क्या है, अ पॉलीसेकेराइड ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड्स आर यूज एज जेलिंग एजेंट. ठीक, जेलिंग एजेंट के फॉर्म में हम अगार को यूज करते हैं. और ये जो अगार होता है वो आता कहां से है, तो सीवीड्स से आते हैं, समुद्र में जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वहां से एक्सट्रैक्ट करके हम निकालते हैं हमारे अगार को. एंड वी यूज दिस अगार एज अ जेलिंग एजेंट इन आवर मीडिया टू पार्शियली सॉलिडिफाइड आवर मीडिया. ओके, अब ऐसा क्या प्रॉपर्टी है भाई, तो देखो इसमें क्या प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम यूज करते हैं हमारे अगार को. फर्स्ट इज अगार डू नॉट रिएक्ट विथ मीडिया कॉन्स्टिट्यूएंट. जितने भी हमने इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट डाले थे जैसे कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट एज वेल एज कार्बन सोर्सेज, ये तीनों में से किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है. तो बहुत अच्छी बात है अगर हम कुछ ऐसा डाल दें और जो कि रिएक्ट कर रहा है इनसे, तो फिर तो हमारे प्लांट को कुछ मिलेगा ही नहीं. यहाँ पे आपस में रिएक्शन रिएक्शन ये लोग खेल रहे हैं, है ना. तो ऐसा कुछ चीज डालेंगे जो कि हमारे ये जो न्यूट्रिएंट मीडिया में हमने डाला है उससे वो रिएक्ट ना करे. तो अगार इज द वन विच डू नॉट रिएक्ट विथ मीडिया कंस्टिट्यूएंट. ओके, सेकेंड इज दे आर नॉट डाइजेस्टेड बाय प्लांट एंजाइम. और सेकेंड और भी अच्छा है कि जो हमने कैलस डाल रखा है, जिस कैलस को ग्रो कर रहे हैं, वो इसको यूज नहीं करता, अगार को नहीं यूज करता. जितने भी उसमें हमने एंजाइम डाले हैं, जो भी प्लांट के एंजाइम वहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो इसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, मतलब इसको यूज नहीं करेंगे. एंड द थर्ड वन, रिमेन स्टेबल एट ऑल फिजिबल इंक्यूबेशन टेम्परेचर. और जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं तो हम उसको एक होता है ना कि मीडिया को हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर से पास करवाते हैं. लाइक पहले हम ऑटोक्लेव करते हैं तो बहुत हाई टेम्परेचर होता है, 120 डिग्री अप्रॉक्स टेम्परेचर यूज हो जाता है, तो उतना टेम्परेचर है. फिर आपका जब इनिशियल स्टेज होता है तो उस टाइम में हम उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं. फिर जब हमारा
हार्डनिंग ऑफ रूट्स करते हैं तो उस टाइम में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं लाइक 40 to 42 degrees वगैरह देते हैं. तो इतने सारे जो टेम्परेचर फिजिबल टेम्परेचर आप देख रहे हो कि टेम्परेचर फिक्स नहीं है, टेम्परेचर चेंज होता जा रहा है, तो उन सारे कंडीशन में हमारा जो ये अगार है वो कोई इफेक्ट नहीं शो करता है. ठीक है, वो जैसे हमने इनिशियल स्टेज में डाला था वो वैसे का वैसे लास्ट स्टेज तक रहता है. सो दीज थ्री आर एडवांटेजेस व्हाई वी यूज अगार एज अ जेलिंग एजेंट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इतने जो बातें हमने डिस्कस की हैं, अगर आपको अच्छे से समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं आई तो वीडियो को फिर से एक बार देखो, आएंगी समझ में बिकॉज इट इज अ वेरी इजी टॉपिक. ठीक है, सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा. लाइक कर दो अगर अच्छा लगा वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करो एंड डाउट्स को प्लीज क्लियर करो बाय कमेंटिंग और कनेक्टिंग मी ऑन इंस्टा और फेसबुक. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी द टेक्नोलॉजी गुरु.